हम सब स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को जान सकते हैं और खासतौर पर पिछले एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान तो सबने इस चीज का एहसास किया भी होगा। वास्तव में एक सामान्य दिनचर्या के रूप में नियमित और संयमित दिनचर्या और जीवन व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखता है। आरोग्यता प्राप्त करने का एक सबसे सहज और सरल उपाय है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के हम उन सभी नियमों का पालन करें जो बचाव के लिए आवश्यक हैं, तो भी हम लोग काफी हद तक निरोग रह सकते हैं, आरोग्यता हमारे पास सुरक्षित रह सकता है। लेकिन उस सबके बावजूद मनुष्य एक जगह में नहीं रहेगा, उसको अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण, अपने पारिवारिक कार्यों के कारण विभिन्न प्रकार की सम विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, या फिर बीमारी के कारण जो है हमारे शास्त्रों में अनेक बताए गए हैं, व्यक्ति की दिनचर्या, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, मां बाप की परंपरा से चले आ रही तमाम प्रकार की ऐसी भी जेनेटिक बीमारियां हैं जो उसको वंशानुगत परंपरा से प्राप्त होती हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। उन सब के साथ अगर हमारा मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ेगा तो हम पिछड़ जाएंगे, और हमें प्रसन्नता है कि मेडिकल साइंस ने आज काफी प्रगति की है। लेजर सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी तक आज बहुत एडवांस स्टेज में आ चुका है। कभी क्या कोई कल्पना करता था कि बाईपास सर्जरी होगी, आज तो बाईपास सर्जरी ऐसे मान लिया जाता है जैसे जनरल सर्जरी हो। इस सब के बावजूद हमारा जो एनसीआर रीजन है वहां पे ये सभी चीजें चलती थी, इस प्रकार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े प्रदेश आबादी के हिसाब से 24 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश में हो उसकी राजधानी में इस प्रकार की सुविधा आवश्यक थी, जहां पर लीवर है, लीवर, किडनी, लंग्स, इनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो सके। और आज ये कार्यक्रम यहां पर अपोलो मेडिक्स के द्वारा लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराया गया है। यह है कि जब प्रारंभ में कोई भी चीज आती है, याद करिए जब मोबाइल फोन आया था उसकी एक कॉल की कीमत, इनकमिंग की कीमत ही 16 रुपये थी, बहुत महंगा पड़ता था। आज 20-22 वर्ष के बाद उस मोबाइल फोन की इनकमिंग की कोई कीमत नहीं है, और जो हम कॉल भी करते हैं उसकी कीमत भी ना के बराबर है। समाज की मांग और आपूर्ति का नियम तो इस पे लागू होगा ही, लेकिन सरकार भी आज आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है कि हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथनिंग की जाए,
गरीब लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए। अकेले प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। इस सब के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति को इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति के पास और उसे आवश्यक सेवाएं चाहिए तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से और पीएम रिलीफ फंड से भी उसे अलग से मदद मिलती है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं राज्य सरकार के, पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के, इसमें फ्री में उपचार की सुविधा है। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2016 से 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 2 संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर रहे हैं। 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं, जिनमें 7 में तो हमने विगत वर्ष ही एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ की है, 8 में इस वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, शेष 15 में हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में हम लोग उसमें भी एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ कर सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बेहतर करने का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना इंप्रूव कर पाएंगे, कोरोना ने बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मजबूर भी किया और जानने के लिए मजबूर भी किया। खासतौर पर एक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है रोग से, रोग से बचने के लिए बचाव उसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर रोग आ ही गया तो भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, सावधानी पूर्वक मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए उसका जो प्रोटोकॉल होगा उसका पालन करना है, उसको कड़ाई से उसको लागू करना। जब कोविड का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो हम लोगों को उसके उपचार के लिए उसे दिल्ली भेजना पड़ा था मार्च 2020 में। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कोविड की आज के दिन पर प्रदेश के अंदर करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। 0 से 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 3 कैटेगरी के बेड्स तैयार किए थे। 1.5 लाख बेड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में तैयार किए। जब कोविड के संक्रमण के केसेस प्रदेश के अंदर आने लग गए तो उस समय हमारे 36 जनपद ऐसे थे प्रदेश के जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं थे, एक भी आईसीयू बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आईसीयू भी बनाए हैं, आईसीयू बेड्स भी उपलब्ध कराए हैं, वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन सबके सामने एक बेहतरीन उदाहरण के सामने आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की अपनी महत्व है, टेक्नोलॉजी के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए कोविड ने एक अवसर दिया। स्वाभाविक रूप से हेल्थ सेक्टर को भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसके बाद अच्छे परिणाम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने आईसीयू बेड तो बढ़ा दिए, मैन पावर की भी ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रारंभ की, मास्टर ट्रेनर यहां बुलाए, फिर उनके माध्यम से जिलों के अंदर ट्रेनिंग प्रारंभ कराई, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा होती थी तो मैंने यहीं से उसी दौरान कहा कि वे वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ करिए। जो टीम यहां से ट्रेनिंग ली है वह तो रहेगी जिले के अंदर, लेकिन साथ साथ हर दिन 5 बजे से 6 बजे तक SGPGI, KGMU और RML के विशेषज्ञ उस वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे और वह वहां पर क्या समस्या आ रही है किस जिले में, उस सुविधा को वहां पर देंगे। टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन आज के दिन पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है और उसको उस रिमोट एरिया तक पहुंचाने
जहां के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पे भी कोई सुविधा मिल पाएगी, आज ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज के दिन पर हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ये केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये निवेश चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर से, जिस भी स्तर पर हो, ये निवेश जनहित में है, लोकहित में है। इसको हम तात्कालिक रूप से न देखें कि इसमें कितना पैसा लग रहा है या इसमें एक व्यक्ति के ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लग रहा है, लेकिन ये एक नई संभावना है, बहुत सारे लोगों के लिए जीवन की एक नई आशा है। और इस नई आशा के लिए अपोलो मेडिक्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, डॉक्टर मयंक सोमानी और उनकी पूरी टीम को। डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने प्रदेश के अंदर अपोलो हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी की। देश के अंदर हेल्थ टूरिज्म यानी टूरिज्म अब स्पिरिचुअल और इको या हेरिटेज का ही नहीं होगा। दुनिया के अंदर अगर आज भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, बड़े विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। तो हेल्थ टूरिज्म के उस स्पेस को उन्होंने आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले उन्होंने उसको देख लिया था, समझ लिया था। और उस कालखंड में जिन संभावनाओं को उन्होंने 1990 के दशक में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना भी की, या चेन्नई में या हैदराबाद में या देश के अन्य क्षेत्रों में जो श्रृंखला खड़ी की, आज आप देख रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर में भी बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं। ये निवेश लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ ढेर सारे रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। मैं इस अवसर पर पूरे अपोलो परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए अपोलो मेडिक्स के द्वारा आज यहां पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यूनिट प्रारंभ की गई है, मुझे विश्वास है कि प्रदेश के लिए यह लाभकारी होगा ही। प्रदेश के इस सेक्टर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी और हम प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और उन जरूरतमंदों को जिनको कोई भी इस प्रकार की आवश्यकता हो उन्हें इस सुविधा को और सहज सरल तरीके से उपलब्ध कराने में मददगार हो पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।